मोदी सरकार इन कृषि कानूनों को जो इसने बनाया है, जो किसान नहीं चाहते, जबरदस्ती क्यों दे रहा है? जब ये अपने मुंह से कहे था मैं 15-15 लाख दूंगा, वो तो इसके दे नहीं गए। किसान है ये समझ चुका है, अब ये हमारा जो कृषि कानून है ये हमारे हित में नहीं है, क्योंकि ये अडानी अबानी के लिए है, चंद पूंजीपतियों के लिए है। तो इन्होंने आखिरी गेयर लगा रखा है, क्या किसानों को, मजदूरों को, इन्होंने कर्मचारियों को, किसी को भी नौकरी देने की तो बात छोड़ दो, इन्होंने नौकरी नौकरी की बात, समाज की तरक्की किस चीज से होती है? जनता की जेब में पैसा होगा तो इनका बाजार चलेगा। जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने कुर्बानी दी थी, ऐसे ही हम कुर्बानी देने के लिए तैयार बैठे हैं और हम पीछे हटने वाले नहीं है। उन्होंने बता दिया था, अब देसी लुटेरा हो, विदेशी हो, सबको खाड़ फेंको। सोनीपत हूँ, मेरा नाम जयकरण है। क्या कहना चाहोगे? हम चाहते हैं ये मोदी सरकार इन कृषि कानूनों को जो इसने बनाया है, जो किसान नहीं चाहते, जबरदस्ती क्यों दे रहा है? और जब ये अपने मुंह से कहे था मैं 15-15 लाख दूंगा, वो तो इसके दे नहीं गए, और पता नहीं कितने वादे इनके वैसे ही चले गए। तो आज ये किसान है ये समझ चुका है, अब ये हमारा जो कृषि कानून है ये हमारे हित में नहीं है, क्योंकि ये अडानी अबानी के लिए है, चंद पूंजीपतियों के लिए है, क्योंकि जो हमारे देश के अंदर जो लूट का राज है, उस लूट को बढ़ाने का, सदा सदा के लिए लूट कैसे चले, उसको बढ़ाने के लिए इस मोदी को वो लाए थे, क्योंकि इसने जो टाटा को वहाँ जमीन खरीद दी है गुजरात के अंदर, तो ऐसे ही ये पूंजीपतियों का वफादार बन के और इनको पूरा मतलब लूट का प्रबंध करने के लिए उनके तले दबा हुआ है, वो उनका सेवक है। और देश के अंदर किसान मजदूर को ये नहीं चाहता अकिन की नसों में कुछ खून रह जाए, जैसे खून निचोड़ने के कोल्लू को बिंडे कस देते हैं, पिंडे कस देते हैं, अकबेन का रस का इसका रस बिल्कुल निकाल लो। तो इन्होंने आखिरी गेयर लगा रखा है, क्या किसानों को, मजदूरों को, इन्होंने कर्मचारियों को, किसी को भी नौकरी देने की तो बात छोड़ दो, इन्होंने नौकरी नौकरी की बात, समाज की तरक्की किस चीज से होती है? जनता की जेब में पैसा होगा तो इनका बाजार चलेगा, नहीं तो बाजार कहाँ से चलेगा इनका, और मंदी के संकट में दुनिया फंस जाएगी। क्यों? ये सर्कुलर एक तरफ से हवा बंद हो जाए और एक तरफ से खुली नहीं, तो आदान प्रदान साइफर नहीं बनता है। इसलिए जनता की जेब में पैसा होगा, खरीदारी होगी, और ये दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा बाजार हमारे देश का है, इस पर इनकी लूट करने के लिए इन्होंने इंतजाम करे हैं। क्यों? आकाश जितने भी हमारी ये वो हमारे देश की जो क्या कहते हैं उसके वो कम हो गई थी, तो किसानों ने उनको बचाया था, और किसान देश की रीढ़ की हड्डी कहलाया जाता है, और ये देश की रीढ़ की हड्डी को तोड़ देंगे तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी। हमारा देश ऐसा देश है, इसके अंदर किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन ये बड़े बड़े पूंजीपतियों को, साम्राज्यवादियों का इनका चेहरा साम्राज्यवादी हो गया है, आज ये पूंजीवाद से आगे बढ़ चुका है और दुनिया के लुटेरे एक हो चुके हैं। इसलिए हमारे मजदूर, किसान, कमेरे एक होकर लड़ना चाहते हैं, और इनको जब तक हम फतेह नहीं करेंगे, जब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी, कानून वापस लेने होंगे, नहीं तो चाहे हमारी जान जाए, चाहे हमारी कितनी कुर्बानी ले, जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने कुर्बानी दी थी, ऐसे ही हम कुर्बानी देने के लिए तैयार बैठे हैं और हम पीछे हटने वाले नहीं है। उन्होंने बता दिया था, अब देसी लुटेरा हो, विदेशी हो, सबको खाड़ फेंको, लेकिन ये काला अंग्रेज ये बच गया और इन्होंने समझौता करके आजादी को लूट लिया, और उसी की वजह से आज ये दुनिया में त्राही त्राही मची हुई है। तो और भी गलबात करने की जी कोशिश है वो भी करते रहेंगे, क्योंकि पहले दिन तो कोशिश करते हैं कि सब ज्यादा गल्ला जेडियां नहीं करते। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि कोई भी नई अपडेट तुसी मिस ना करो।